अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देख रहे जैसे वर्ड में यहाँ आया है प्राइम, प्राइम न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था, इसका डिफाइन मैंने लिखा है प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंपोजिट नंबर। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में जब एक्सप्रेस करते हैं तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि अगर हम 36 लिखें तो क्या होगा, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से ये 1 बार में, तो 36 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 3, मतलब 2 बार 2 आया है 2 का स्क्वायर, 2 बार 3 आया है 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी को हम लोग एक ट्री मेथड भी कहते हैं। ट्री मेथड में क्या होगा, तो 36 इसको हम ट्री के ब्रांचेस के तौर पे तोड़ेंगे। तो पहला देखिए क्या आ रहा था, 2, तो पहला बार में कितना पार्ट में बटा, तो 2 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आया था वो 18। अगले बार हम क्या किए, 18 को एक्सप्रेस किए 2 और 9 में, तो फिर ये टूटेगा 2 और 9 में। फिर देखे 9 किसमें ब्रेक हुआ है, तो 3 और 3 में, मतलब 36 था इसको हम प्राइम नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करते चले गए। और अगर हम देखें यहाँ पर ये क्या हो गया है, इधर से ये जो आपको ऑर्डर मिलेगा यही क्या दे रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 12 = 36, ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। और सबसे बड़ा बात, इसका हम यूज किसमें करते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था HCF निकालना, किस मेथड से, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से। ठीक है, अब हमको पढ़ना है HCF एंड LCM दोनों, किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जिसको कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अगला जो टॉपिक है वो HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो HCF का पहले में मतलब थोड़ा समझ ले, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, मतलब वैसा कौन सा टेबल होगा, वैसा कौन सा डिजिट होगा जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड करे, सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट तो सबसे बड़ा डिजिट, तो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। ठीक है, तो पिछले बार तो हम लोग पढ़ चुका था यूक्लिड डिवीजन लेमा से, अब किससे पढ़ना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से, देखते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिट कौन सा दिया हुआ है, 24, 24 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखते हैं, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1, मतलब 2 कितने बार आया है, 3 बार, और 3 आया है मेरा 1 बार, और 48 का बारी है, 48 को हम देखें, 2 से 24, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार, मतलब 2 कितने बार आया है, तो 4 बार और 3 1 बार, क्लियर। अब यहां पर हमको बात करना है HCF के लिए, क्या निकालना है इसका HCF। देखिए हम लोग इस दोनों में तो 2 का जो है इसमें डिजिट कौन कौन से आता है, तो 2 और 3 दोनों में आता है, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो जब भी हमको HCF निकालना होगा तो हम लोग देखेंगे 2 का सबसे कम पावर वाला दोनों में से कौन है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का पावर क्या है, सबसे कम, यहाँ पर 2 का पावर 3 है और यहाँ पर 2 का पावर 4 है। अब कंपेयर करिए दोनों में, सबसे कम पावर वाला कौन है, तो 2 का पावर 3 है, तो इसको हम लोग एक बार लिख देंगे। अब बताइए 3 का पावर, इसमें भी 3 का पावर 1, इसमें भी 3 का पावर 1, दोनों तो सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब तो हम उसको एक बार लिख देंगे।
मतलब जो जो डिजिट कॉमन मिलेगा उसका जो मिनिमम पावर वाला होगा उसको हम मल्टीप्लीकेशन करते हुए लिखेंगे, और लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का पावर 1 3, यानी 8 3 जाए 24, मतलब इसका HCF क्या हो गया, 24 हो गया। अब देखिए 24 ही मेरा सबसे बड़ा डिजिट है, 24 के टेबल 24 वन बार में और 48 टू बार में डिविजिबल है, यानी ये मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा हम इजी हम बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बच्चा टाइप का मेथड हो जाएगा। इसको अगर लिखे हम लोग तो क्या मिलता है, 2 × 2 × 3, और 48 को लिखें 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब बताइए इसमें HCF के लिए क्या करेंगे, हम तो कॉमन लेंगे जो दोनों में कॉमन आ रहा है, या तो हम ये करें या ये। सबसे पहले दोनों में 1 2 कॉमन आया है तो हम 1 2 लिखेंगे, फिर 1 और 2 कॉमन आया तो 1 और 2 लिख दिए, फिर 1 और 2 आया तो 1 और 2 लिख दिए, फिर देखें ये 2 कॉमन नहीं जिसको छोड़ देंगे, 1 3 कॉमन मिल रहा है तो हम 1 3 को लिख दिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, देखिए वही आंसर आ रहा है। इस तरह से हम ब्रांच एग्रीगेशन मेथड से HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर किसी का भी, अभी तो मैंने 2 का निकाला है, अब एक और एग्जाम्पल दूंगा 3 नंबर्स का। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है HCF निकालना किसका, 21, 28, 36 और 45 का, किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम 21 को लिखें तो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 × 7 × 1 लिख देते हैं, 28 तो 2 × 2 × 7 × 1, 36 2 × 2 × 3 × 3 × 1, 45 3 × 3 × 5 × 1। ठीक है, ये मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया है। अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा डिजिट है जो सारे में कॉमन आ रहा है। देखिए तो सबसे पहले हमको डिजिट यहाँ पर कौन नजर आ रहा है, तो 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है और 7 नजर आ रहा है, और 1 को फिलहाल अभी छोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 2 पर, क्या मेरा डिजिट 2 इन सारे में कॉमन है, देखिए इसमें तो नहीं है, यानी ये HCF मेरा नहीं होगा। अब आते हैं 3 पर, तो 3 मेरा इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसको भी नहीं काउंट करेंगे। अब बारी है 5 का, तो 5 मेरा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ये भी हट गया। 7 का बात करें तो इसमें है 7, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब कोई डिजिट हमें कॉमन नहीं मिला। जब कोई कॉमन नहीं मिलता है तो मेरे लिए एक ही डिजिट रह जाता है और वो है 1, यानी इसका HCF क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हम 2 डिजिट और 3 डिजिट का LCM या HCF, पहले HCF बताया मैंने, तो पहले HCF हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अब हमको पढ़ना क्या है LCM, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो LCM का पहले मतलब समझते हैं, तो LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान दिए पिछला बात है HCF, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पर है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM में क्या कहता है, जैसे 24 और 36 हम दिए तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर, लोएस्ट नंबर, जो कि इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो। ध्यान दीजिएगा HCF में क्या था, तो वैसा नंबर जो इसको और इसको डिवाइड कर रहा था, और LCM में क्या है, तो वैसा नंबर जो कि ये और ये इन दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, ये मतलब होता है LCM और HCF का, इसको आप लोग समझिएगा अच्छी तरह से। अब हम लोग निकालेंगे कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 24 को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो 2 × 2 × 3। अब 36 को देखें, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो 2 × 2 × 3 × 3। अब इसको हम पावर के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 2 का पावर 3 × 3 का पावर 1, एंड 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। क्लियर, अब देखिए एलसीएम में क्या करेंगे हम, तो पिछले बार HCF में क्या किए थे हम, कि सबसे लोएस्ट
पावर का था, उसको हम यूज कर रहे थे। यहां पर क्या होगा सब लोग जानते हैं, जो मैक्सिमम पावर नजर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो पहले देखिए डिजिट कौन कौन सा नजर आ रहा है आपको, तो 2 है और 3 है। अब 2 में देखें हम लोग, तो यहां पर पावर इसका 3 है और यहां पर 2 है, दोनों से बड़ा कौन होगा, ये वाला, तो हम लोग इसको लिखेंगे। अब बात है 3 के लिए, तो 3 मैक्सिमम पावर कौन दे रहा है, ये या ये नजर आ रहा है, 3 का पावर 2 है यहाँ पर, इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। 2 का पावर 3 मतलब 8, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 जा 72, मतलब एलसी मेरा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। इस तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग 3 नंबर लिए हैं 24, 36 एंड 40, इसका हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम 24 पर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कीजिएगा, देखिएगा ये आएगा 2 × 2 × 2 × 3, मतलब पावर के फॉर्म में 2 × 3 × 3 × 1। 36 का जिक्र करें अगर, 2 × 2 × 3 × 3, मतलब 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। 40 का अगर बात करें, 2 × 2 × 2 × 5, मतलब 2 का पावर 3 × 5 का पावर 1। अब बारी है मेरा एलसीएम का, तो गौर कीजिए आपको डिजिट कौन कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको डिजिट मिलेगा 2 है, 3 है और 5 है, ये 3 डिजिट नजर आ रहे हैं हमको। अब देखिए 2 का पावर इसमें 3 दिया है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इन दोनों में मैक्सिमम मिल रहा है 3, तो उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ हो गया 2 का पावर 3। अगला बारी है पावर 3 के लिए, तो 3 में देखें हम, तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको देखना है 3 का मैक्सिमम पावर वो कहाँ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तो यहाँ पर कितना पावर है इसका 2 है, इसको हम लोग यहाँ लिख दिए। अगला बारी है 5 का, तो 5 यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, केवल यहीं पर है, और जिसका पावर कितना दिया है 1 दिया है, तो वो यूज करेंगे। 2 का पावर 3 मतलब 8, यहाँ 9 और यहाँ 5, 8 × 5 = 40, 49 × 360, ये हो गया मेरा आंसर। और इस तरह से हम लोग 3 डिजिट का भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया है, और इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दिया है 4 2 गिवन नंबर्स से ए एंड बी, हम कोई नंबर 2 लिए हैं, कौन, ए और बी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो एलसीएम ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी मतलब ए और बी का एलसीएम, और यहां पर इसका मतलब क्या है, तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, मतलब ए और बी का एलसीएम और ए और बी का एचसीएफ, इन दोनों को हम अगर गुना करें, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें, तो किसके इक्वल आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब जो 2 नंबर दिया हुआ है उनके प्रोडक्ट के इक्वल, मतलब इसको हम शॉर्ट में अगर बात कर दें तो क्या मिलेगा, HCF into LCM is equal to A into B, या इसी को हम और नाम दे सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक बात आपको एकदम ध्यान रखना होगा, ये किसके लिए वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर ओनली 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड होगा, 3 या उससे ज्यादा के लिए वैलिड ये नहीं होगा, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा और इस पर इसको वेरीफाई करूंगा कि क्या ये वैलिड है, मतलब क्या ये काम करता है या नहीं काम करता है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, हमें क्या निकालना है, 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ, और उसके साथ ही वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी होगा। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हम फॉलो करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 96 को 2 × 48 2 × 24 2 × 12 2 × 6 2 × 3, बताइए कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 का पावर 5 × 3 का पावर 1। अब बात करते हैं 404 के लिए, 2 से 202 बार में
टू से 101 बार में, अब तो ये तो कटे यानी कि मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 101, ठीक है। चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई देखते हैं एलसीएम निकाल के, तो एलसीएम में क्या नजर आएगा हमको, तो हाईएस्ट पावर कितना है, तो डिजिट कौन कौन नजर आ रहा है, 2 है, 3 है और 101 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना गया है, तो 5, तो 2 का पावर 5 लिख दिया हम लोग। 3 का मैक्सिमम पावर इसी में है केवल 1 गया है, और 101 का मैक्सिमम पावर 1 ही गया है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 32 इंटू 3 इंटू 101, मल्टीप्लाई करते हैं 32 3 जा 96, 96 को 101 से 6 0 6 9 0 9 6 9, मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया, तो 9 6 9 6, ठीक है। अब आ रही है हमको एचसीएफ फाइंड करने का, तो हम लोग फिर से नहीं करेंगे, इसी को यूज करना है, तो 96 में अब हम डाइट करते हैं अगर, तो एचसीएफ बताइए, तीन डिजिट है 2 3 और 101, इन तीनों में कॉमन कौन है, कौन सा डिजिट कॉमन है आपको, तो डिजिट कॉमन है आपको 2। अब उसमें देखिए आप कि मिनिमम पावर कौन लेके चल रहा है, तो मिनिमम पावर 2 का पावर 2 लेके चल रहा है, तो यानी एचसीएफ क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर, मतलब एचसीएफ क्या हो गया मेरा 4 हो गया, ये मेरा एलसीएम निकला और ये मेरा एचसीएफ निकला। अब आते हैं हम एलसीएम इनटू एचसीएफ पर, एलसीएम मेरा आया है 9 6 9 6 और एचसीएफ मेरा है 4, मल्टीप्लाई करते हैं 6 24 कैरी 2 ये आएगा आपको इसका प्रोडक्ट, ठीक है। अब आ रही है ए इंटू बी का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का, इसको करते हैं, तो 96 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 404 से, तो हम यहीं पर करते हैं मल्टीप्लाई 404 को 96 से, इक्वल टू 3878, और देखिए यहाँ पर 38784, यहाँ भी 38784, मतलब वेरीफाई हो गया, यानी हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमेशा किसके लिए वैलिड रहेगा, टू ही डिजिट के लिए, मतलब ए और बी के लिए, अगर ए बी और सी तीन डिजिट आपको मिलेगा, तीन नंबर्स मिलेंगे, उसके लिए ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। हमेशा वैलिड कितने नंबर्स के लिए रहेंगे, ये दो ही नंबर्स के लिए। अब देखिए ये मैंने आज यहाँ तक टॉपिक क्लियर किया, अब इसी पर बेस्ड, मतलब एलसीएम और एचसीएफ इसी पर बेस्ड मैं कल कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस बताऊंगा। अब आप लोग सेकेंड एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं, और उस पर उम्मीद है क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, और इसको अच्छे से समझ के ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इस पर और आसानी से बन जाएंगे।